धन बाबा नरसिंह जी। जगह का नाम है चुनिया, इलाके का नाम है चुनिया। बाबा नरसिंह जी वहां विराजमान है। सुबह सुबह अमृत वेले जब नित्यनेम पूरा होता है, कीर्तन की भूख पड़ती है, तो बाबा नरसिंह जी वॉक पे जाया करते थे कई किलोमीटर शहर पे। बिहार से बोलिए धन गुरना है, खेतों में सैर करने जा रहे हैं। जब वापिस आ रहे हैं तो रास्ते में दो लोग खड़े हैं, एक संगी है एक संगी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरना है। इसका नाम है धारा सिंह, चार भाई हैं ये, पर सबसे छोटा भाई जो सुलक्खन सिंह है वो एक गुंडा है। बिहार से बोलिए धन गुरना है। उस समय गाँव में कैसे गुंडे होते थे, लठैत, बड़ी सी लठ पहन के रखनी, तुरले वाली पगली बांधनी, जो गुंडे का माहौल होता है, और शराब पीने, जुआ खेलना और मार पिटाई करते रहना। बिहार से बोलिए धन गुरना है। कोई शरीर करके ताकतवर बहुत था, इतिहास में लिखा 6.5-7 फीट इसकी हाइट थी, लंबा चौड़ा शरीर। नाम है सुलक्खन सिंह। धारा सिंह इसका बड़ा भाई अपने सबसे छोटे भाई को लेकर खड़े रास्ते में, और बाबा नरसिंह जी के आए तो धारा सिंह ने माथा टेका, सुलक्खन सिंह ने नहीं टेका। बिहार से बोलिए धन गुरना है। जो गुंडा था उसने नहीं टेका। बाबा नरसिंह जी से देख रहे, कहते क्यों आए धारा सिंह, क्या बात है? क्योंकि धारा सिंह संगी था, कहने का पाछा ये मेरा चौथा भाई है, छोटा भाई, बहुत बिगड़ा हुआ है पाछा, आप ही कुछ कर सकते हो। बिहार से बोलिए धन गुरना है। बाबा नरसिंह जी कहने, हमने क्या यहाँ पे स्कूल खोल कर रखा है, बच्चों को ठीक करें? बिहार से बोलिए धन गुरनानक। हम क्या कर सकते हैं? बाबा नरसिंह जी पहले ना ताड़ना कर दिया करते थे, कोई भी कुछ आता था ना बहुत सुना दिया करते, अगर तो कोई डर के भाग गया तो अच्छी बात है। बिहार से बोलिए धन गुरनानक। कोई बिरला था जो उनकी ताड़ना सह के रुक जाता था, सर झुका के, बहुत ज़्यादा ताड़ना करते थे, बहुत ज़्यादा अपना, ऐसा बाबा नरसिंह जी का कहते थे ऐसा ऑरा था, कोई आंख में आंख मिला के नहीं देख सकता था बाबा नरसिंह जी, शेर आंखें थे। बिहार से बोलिए धन गुरनानक। कमाई भी ऐसे महापुरुषों की। तो उसने हाथ जोड़ दिया, चुप करके सर झुका दिया, कुछ नहीं कहा। बाबा नरसिंह जी कहने लगे, चल बता क्या बात है? बिहार से बोलिए धन गुरनानक। कहने लगे, पाछा ये जुआ खेलता है, मार हमारी करता है, लठ लेके घूमता है, लठ दिखाई, अपने से भी बड़ी और मोटी लठ, इतनी मोटी लठ हाथ में पकड़ के खड़ा है वो, ऊपर से तीखा करके चांदी का कुछ बना के लगाया हुआ है, नीचे पीता लगाया हुआ है मोटा मोटा, ताकि मार कुटाई हो तो इसको हथियार बना के चलाया जाए। बिहार से बोलिए धन गुरनानक। बाबा नरसिंह जी कहने लगे, अच्छा ये गुंडागर्दी करता है? कहने लगा, कहते यहाँ कैसे आ गया? कहने लगा, बड़ी मुश्किल से लेके आके, एक बार चल देखो ना कैसे अहंकार से खड़े, आपको नमस्कार भी नहीं किया इसने। बिहार से बोलिए धन गुरनानक। बाबा नरसिंह जी कहते, इसमें क्या, अभी उसको ठीक कर देते हैं, इसकी लठ लेके छीन के फेंक दे। बिहार से बोलिए धन गुरनानक। इसकी लठ छीन से छीन कर फेंक दी। धारा सिंह ने वचन माना, जैसे ही आगे बढ़ा लठ लेने के लिए तो सुलक्खन सिंह बोला, धारा सिंह दूर हो जा, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। बिहार से बोलिए धन गुरनानक। अगर मैं लठ को हाथ लगाया तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बाबा नरसिंह जी के सामने कह रहे हैं। यहाँ पर मेरे बाबा नरसिंह जी आगे बढ़े, उसके हाथ से लठ ली। अब सोचो एक पहलवान आदमी, उसके हाथ से बाबा नरसिंह ने ऐसे लठ ले ली जैसे कि कुछ है ही नहीं, और लेकर धरती पर गिरा दी। उसे क्रोध बहुत आया, कह रहे कि क्रोध आया, लठ से मारेगा मुझे? बिहार से बोलिए धन गुरनानक। कहने लगा, हाँ मारूंगा। कहने लगे, फिर लठ उठा, लठ उठा के दिखा दे। बिहार से बोलिए धन गुरनानक। सात सिंह जी, ये सुलक्खन सिंह नास्तिक, शराबी, कबाबी, गुंडा, लठ जो रोज लेकर घूमता है, उठाने लगा, थक गया, लठ उठी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरनानक। धन गुरनानक। लठ उठाने की पूरी ताकत लगा दी इसने, लठ नहीं उठा सका, तो ज्ञान हुआ, सुखपार खुले कि कौन है। फिर से बोलिए धन गुरनानक। मैं अपने ही लकड़े नहीं उठा पा रहा हूँ, क्या कौन सी शख्सियत है जी, ज्ञान हो गया, उसी वक्त चरणों में गिर गया। फिर से बोलिए धन गुरनानक। बाबा नरसिंह जी देखिए कितनी कमाई बाबा नरसिंह जी की, अगर किसी को बदलना चाहे एक मिनट में बदल दिया। फिर से बोलिए धन गुरनानक। उठाया, उसे खुद उठाया, कहने लगे, आज के बाद शराब बंद, कहता बंद, मार पिटाई बंद, बंद, ये कपड़े जो तूने पहन के रखे गुंडे वाले, ये बंद, यही पे रुक, सेवादार को भेजा, इसके लिए चोला मंगाया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो खुद पहनते थे
वो चोला इसे पहनवाया यहीं पे कपड़े उतरवा के बोले धन गुरु नानक, और ये लट फिर से पकड़ा दी, कहते पकड़ ली आज के बाद तेरी सेवा है, हमारे कमर के बाहर खड़े रहना पहरेदारी की, यार जी बोलिए धन गुरु नानक। देखो एक चोर शराबी को एक सेवा दे दी, वो भी अपने पहरेदारी की। इतिहास में लिखे बाबा नानक सिंह जी जब भी इसे देखते थे ना कई बार मुस्कुरा देते थे और संगत से कहते थे ये हमने बंदर काबू में किया हुआ है, यार जी बोलिए धन गुरु नानक, इस बंदर को काबू में रखा हुआ है। तो ये भी मुस्कुरा देता था, जानता था बाबा नानक सिंह जी कौन है, बोलिए धन गुरु नानक। फिर इतिहास में लिखा कुछ सालों बाद बाबा जी बाबा नानक सिंह कहने लगे हमने भूत काबू में किया हुआ है, इसे भूत कहने लगे, यार जी बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय के बाद कहने लगे हमने जिन काबू में किया हुआ है, इसे जिन कहने लगे। फिर एक दिन आया इसकी अवस्था क्या बना दी, कहने लगे हमने शहीद सिंह पहरे पे रखा है, यार जी बोलिए धन गुरु नानक। एक बंदर से शहीद सिंह की अवस्था कि आज ये वो नहीं रहा जो था, आज ये शहीद सिंह का दर्जा पा चुका है, ऐसी इसकी कमाई हो चुकी है, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शहीद सिंह वो होते हैं जो जहाँ चाहे जब चाहे किसी की रक्षा कर ले, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कौन कर सकता है मेरे बाबा नंद सिंह जी, यहाँ से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। दूर संतन परखते थे ना, विचार रखते थे ना कि कोई दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता जिस तरह से वो सोचते थे, कमाल ही है साथ से, कमाल। आप अगर बाबा नानक सिंह जी का जीवन पढ़ लो ना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जीवन पलटी ना खा जाए। एक बार अगर पढ़ना शुरू करोगे तो ऐसा हो नहीं सकेगा कि बिना पढ़े आप सो जाओ, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, और आपका नित्यनियम अपने आप बढ़ने लग जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा गुरु नानक से, श्रद्धा बढ़ जाएगी, भरोसा बढ़ जाएगा, यार जी बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा जीवन एक एक पहलू। एक ऑफिसर आ गया, बहुत बड़ा ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, बड़ा अहदा होगा कोई उसका। वो बाबा नानक सिंह जी के पास आया, मैं रोशनी डाल रहा हूँ कि बाबा नानक सिंह जी कितनी बारीक बुद्धि रखते थे, यार जी बोलिए धन गुरु नानक। होता ही है ना, ये होना ही है कि वचन लिखे हुए हैं कि 100 चोरों का दिमाग हो, 100 चोरों का जितना दिमाग होता है, ये आम आदमी का जितना दिमाग होता है ना, 100 आम आदमी का, एक चोर का दिमाग होता है, यार जी बोलिए धन गुरु नानक। चोर का दिमाग बहुत तेज होता है, नहीं तो चोरी कर नहीं सकता, वो आपकी जेब में से पैसे निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता, यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 100 चोरों का जितना दिमाग हो, 100 चोरों का, कहते थे इतना एक वजीर का होता है, यार जी बोलिए धन गुरु नानक, जो राजा के वजीर होते हैं। 100 वजीरों का दिमाग हो, एक राजा का दिमाग होता है, राजा ऐसे नहीं बन जाते, यार जी बोलिए धन गुरु नानक। बहुत तेज सोच, दूर की सोच रखते हैं वो, हमें लगता होगा इसे कुछ पता नहीं, सब कुछ पता होता है, यार जी बोलिए धन गुरु नानक। और महापुरुषों के वचन लिखे हुए हैं, 100 राजाओं का दिमाग हो, एक संत का दिमाग होता है, यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब तो इतनी बारीक सोच। बहुत बड़ा ऑफिसर आ गया, सेवादार लिख गया है, और रास्ते में पहचान वाला था, संगी था, तो उसका मित्र था वो ऑफिसर, कहने का बाबा नानक सिंह जी के दर्शन करा दो, उनकी बढ़ियाई के बाबा नानक सिंह जी ऐसे, बाबा नानक सिंह जी ऐसे। जब ऑफिसर आया तो बाबा नानक सिंह जी को बताया कि ये ऑफिसर हैं, इस रैंक पे हैं, इतना बड़ा स्टाफ है, इतने लोग हैं। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे ऑफिस में जाते हो, कहने का हाँ जी जाता हूँ, कुर्सी पर कैसे बैठते हो, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया, ये कैसा सवाल है, आदमी कुर्सी खींचता है और बैठ जाता है, मतलब ये तो कह रहा था बाबा नानक सिंह जी ऐसे वैसे है, तू इतना कॉमन सवाल पूछ रही, कुर्सी पे बैठते कैसे, यार जी बोलिए धन गुरु नानक। कुर्सी खींची,
बैठे बैठ गए घर से बोलिए धन गुरु नानक, चुप कर गए, बोला नहीं, पर ये नहीं कहा कि कुर्सी खींची और बैठ गई, मन में सोच रहा है बोल नहीं रहा, चुप रहा। बाबा नाथ जी कहले बताओ अफसर साहब कुर्सी पे कैसे बैठते हो, कहेंगे वहाँ पूछो आप ही बता दो कैसे बैठते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि ऑफिसर था थोड़ा समझ तो रखता था कि महापुरुषों के आगे ज्यादा नहीं बोलते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक, एक बहुत प्यारी शिक्षा है, जितना कम बोलो महापुरुषों के आगे उतना अच्छा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे बताना कैसे बैठते, कहते पाचा मैं जाता हूँ ऑफिस में कुर्सी खाली होती मैं बैठ जाता हूँ। घर से बोलिए धन गुरु नानक, कहने की फिर तो तेरे कर्म बरतेंगे। कहने का समझा नहीं कि तू गया कुर्सी पर बैठा अपनी और काम करना शुरू कर दिया, जो तेरे कर्म होंगे तुझे उनका लिखा देना पड़ेगा जो तू करेगा। तो कहने का मैं समझा नहीं, लेके से कैसे छोड़ सकता हूँ, कहते छोड़ सकता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, कितनी बारीक सोची हम सबके काम की बात है सत संगी जी, चाहे दुकान की कुर्सी हो चाहे किसी औहदे की कुर्सी हो। बाबा नानक सिंह जी ने ज्ञान दिया बड़ा कीमती। कहने लगे जब ऑफिस पहुंचता है सबसे पहले शुक्राना कर, पाछा ये औहदा तूने दिया है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, पांच बार मूल मंत्र कर ले, एक बार फिर जब जी सब कर ले, नहीं तो कम से कम पांच बार मूल मंत्र करके सूक्ष्म अरदास कर कुर्सी में बैठने से पहले कि पाछा हे गुरु नानक ये कुर्सी तेरी दी हुई है, ये औहदा तेरा दिया हुआ है, मैं भी तेरा हूँ, ये स्टाफ तेरा दिया हुआ है, एक एक चीज तेरी दी हुई है, मैं तेरा बिठाया इस पे बैठने जा रहा हूँ, तेरा बिठाया, जिसका काम मुझसे कराना हो करा लेना, जिसका नहीं कराना हो नहीं कराना, मुझे लेखे से बचा ले। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, अगर तू इस प्रकार से बैठेगा अपनी कुर्सी पर तो तुझसे कुछ गलत फैसले भी अगर हो गए तो तुझे उसका हिसाब नहीं मांगा जाएगा तुझसे। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि कुर्सी तेरी है नहीं, तूने गुरु नानक की कर दी, फैसला भी तेरा नहीं है गुरु नानक का। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, अब कई जज हैं, अभी उनके सामने जो सबूत आते हैं उनको उसी हिसाब से फैसला करना पड़ता है, चाहे ईमानदार जज हो, कई बार गलत फैसले हो जाते हैं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, अंतर्यामी तो नहीं है, पर अगर ये कुर्सी गुरु नानक की बनाकर वो बैठे तो बताओ उसके हिसाब मांगा जाएगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, वो तो छूट गया। बाबा नंद सिंह जी ने लेखे से छूटने की तरकीब बता दी कि अपनी कुर्सी में बैठने से पहले मूल मंत्र पढ़ के पांच बार अरदास करके गुरु को देकर कुर्सी फिर बैठो, गुलाम बन के बैठो मालिक बनकर नहीं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, अगर केस होगा तो मालिक पे होगा, गुलाम छूट गया वो तो काम कर रहा था। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।